दोस्तों जब से WWE को PG शो बनाया गया है तब से यहाँ ना के बराबर इंटरजेंडर रेसलिंग होती है, यानी कि मैन और वुमेन रेसलर्स के बीच मैचेस नहीं होते। पर साल 2020 में ऐसे कई मोमेंट्स आए जब हमें मैन और वुमेन रेसलर्स के बीच रेसलिंग देखने को मिली। तो स्वागत है आप सभी का रेसलिंग फिनोमेना चैनल पे, और आज के इस वीडियो में हम साल 2020 में WWE में हुए कुछ ऐसे ही इंटरजेंडर रेसलिंग मोमेंट्स को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मोमेंट नंबर वन, दोस्तों साल 2020 के NXT के एपिसोड में हमें कीथ ली एंड मिया यिम वर्सेस जॉनी गार्गेनो एंड कैंडिस लरे के बीच मिक्स्ड टैग टीम मैच देखने को मिला था। मैच के शुरुआत में ही कीथ ली ने कैंडिस लरे को उठा लिया, लेकिन फिर मैच में वुमेन रेसलर वुमेन से ही लड़ रही थी और मैन रेसलर मैन से। पर जब कीथ ली जॉनी गार्गेनो पर भारी पड़े तो उनकी पत्नी कैंडिस लरे ने कीथ ली पर हमला कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर कीथ ली को किक और DDT लगाई, और इसके कुछ समय के बाद गार्गेनो ने भी बीच में इंटरप्ट करके मिया यिम के पिन अटेम्प्ट को तोड़ा। लेकिन यहाँ गार्गेनो को इसकी कीमत चुकानी पड़ी जब मिया ने उन्हें ही धो डाला और एक सुप्लेक्स भी दे दिया। फिर गार्गेनो ने ली को किक देकर DDT दे दी, पर यहाँ गार्गेनो की पत्नी कैंडिस लरे के ऊपर कीथ ली गिरे जिससे वो बेहोश हो गई, और इसी का फायदा उठाकर जॉनी गार्गेनो ने रोलअप की मदद से कीथ ली को पिन करके हरा दिया और अपनी टीम को इस मैच में जीत दिलाई। मोमेंट नंबर टू, दोस्तों साल 2020 के स्मैकडाउन में निकी क्रॉस से स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडरशिप मैच हारने के बाद भी एलेक्सा ब्लिस निकी क्रॉस के साथ ही थी। पर जब निकी क्रॉस ने चैंपियन बेली को चैलेंज किया टाइटल मैच में तो वो हार गई। यहाँ एलेक्सा ब्लिस ने निकी को समझाने की कोशिश की, पर परेशान निकी ने एलेक्सा ब्लिस को ही धक्का दे दिया और उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर चली गई। इतने में वहाँ फीन्ड आ जाता है और वो वहाँ आकर एलेक्सा ब्लिस को ताड़ने लगता है। एलेक्सा ब्लिस को लाइन मारने की बजाय फीन्ड ने उन्हें ही मैंडेबल क्लॉ दे दिया और बीच रिंग में बेहोश कर दिया। इसके बाद में एलेक्सा ब्लिस काफी बदल गई। मूवमेंट नंबर थ्री, दोस्तों ये बात है NXT की ही, जब चैंपियंस वर्सेस चैलेंजर के मिक्स्ड टैग टीम मैच में डेमियन प्रिस्ट एंड इयो शिराई ने जॉनी गार्गेनो एंड कैंडिस लरे की टीम का सामना किया था। मैच की शुरुआत में सब नॉर्मल था, पर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। एक मोमेंट पर गार्गेनो ने प्रिस्ट को इंजीक्यूरी दी और इयो शिराई ने टैग लेकर गार्गेनो को ही मिसाइल ड्रॉप किक दे दी। जब गार्गेनो ने अपने होश संभालने के बाद अपनी पत्नी कैंडिस लरे को बचाना चाहा, तब भी उन्होंने शिराई के हाथों से थप्पड़ खा लिया। लेकिन गार्गेनो एक अच्छे पति बने और अपनी पत्नी को बचाने के चक्कर में फिर से मार खाई। लेकिन मैच के अंत में गार्गेनो की पत्नी ने अपनी चालाकी दिखाई और डेमियन प्रिस्ट के अखरोट फोड़ दिए और उनके नुन्नू को भी सजा दी, जिसका फायदा उठाकर गार्गेनो ने प्रिस्ट को पिन करके ये मैच जीत लिया। मोमेंट नंबर फोर, दोस्तों साल 2020 का मनी इन द बैंक PPV काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक तो ये WWE के हेडक्वार्टर्स में हुआ था, वहीं मैन और वुमेन मनी इन द बैंक मैचेस एक साथ हुए थे। मैच के दौरान अचानक से मैन और वुमेन रेसलर्स एक दूसरे के रास्ते में आ गए, परिणाम स्वरूप सभी एक दूसरे पर खाना फेंकने लगे। शेना बेजलर के इरादे ठीक नहीं थे और उन्होंने रे मिस्टेरियो को अपना सबमिशन लगाकर उन्हें अपने लपेटे में ले लिया, लेकिन ये लॉक टूटा जब नाया जैक्स और ओटिस ने रे मिस्टेरियो को दबा दिया। बेचारे रे मिस्टेरियो को पता नहीं यहाँ किस बात की सजा मिली। मोमेंट नंबर फाइव, दोस्तों जब एच पर रैंडी ऑर्टन ने रॉ में हमला किया तो अपने पति एच की हेल्थ के बारे में फैंस को बताने के लिए बेथ फिनिक्स रॉ में आई, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन आ गए और उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने एच पर हमला किया। लेकिन फिर बेथ फिनिक्स ने ऑर्टन को थप्पड़ मार दिया। फिर रैंडी बेथ को कुछ कहते हैं, बेथ ऑर्टन को किक मारती है और वाइपर बेथ फिनिक्स को RKO दे देता है, जिसके बाद वहां WWE ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स आकर बेथ फिनिक्स को चेक करते हैं। लेकिन रसलमेनिया 36 में रैंडी ऑर्टन को बुरी तरीके से हराकर एज ने अपना बदला ले लिया था। मोमेंट नंबर सिक्स,
दोस्तों एनएक्सटी में जब चेल्सी ग्रीन रॉबर्ट स्टोन की टीम को छोड़कर चली गई तो स्टोन यहां किसी और रेसलर को अपने रॉबर्ट स्टोन ब्रांड में शामिल करना चाहते थे। आलिया को अपनी टीम में शामिल करने के बाद में उन्होंने बात की रिया रिपली से, लेकिन रिपली ने रॉबर्ट स्टोन को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। परिणाम स्वरूप एनएक्सटी ग्रेट अमेरिकन बैश में रिया रिपली को सामना करना पड़ा रॉबर्ट स्टोन और आलिया का एक 2-on-1 इंटरजेंडर हैंडीकैप मैच में। मैच की शुरुआत में रॉबर्ट स्टोन ने रिया रिपली का सामना किया पर एक चॉप खाकर वो बाहर हो गए, जिसके बाद में आलिया ने कुछ देर तक रिपली का सामना किया, फिर रॉबर्ट स्टोन आ गए बेइज्जती करवाने और इस तरह से नीचे जमीन पर आ गिरे। फिर रॉबर्ट और आलिया ने रिपली को साथ मिलकर सबमिशन दे दिया और फिर दोनों ने मिलकर रिया को सुप्लेक्स दिया, पर दोनों के बीच बहस हुई। फिर जब रॉबर्ट और आलिया रिया को सुप्लेक्स देने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से, तो इन दोनों को ही रिवर्स सुप्लेक्स खाना पड़ता है और रिया रिपली यहां आलिया को हथियार बनाकर रॉबर्ट पर वार करने लगी। रॉबर्ट के लिए मुश्किलें बढ़ी जब रिया ने इस तरह से आलिया को नीचे फेंका, जिससे रॉबर्ट स्टोन के अखरोट टूट गए। समझाया था मैंने रॉबर्ट को कि नाम में स्टोन लिखने से तुम्हारा नुन्नू और अखरोट पत्थर के नहीं बन जाएंगे, लेकिन फिर भी रॉबर्ट नहीं माने और रिया पर हमला करने गए। पर रिया रिपली ने रॉबर्ट और आलिया को अपना प्रिजन ट्रैप डबल सबमिशन देकर मैच में जीत हासिल करी। तो मैच का परिणाम ये निकला कि रॉबर्ट स्टोन अपने नुन्नू को घायल करवाकर वहां से चले गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।